हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑन माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट इम्पीडेंस मैचिंग इन ट्रांसमिशन लाइन एंड इन दैट केस वी हैव डिस्कस अबाउट स्टब मैचिंग इन ट्रांसमिशन लाइन। सो इफ यू रिकॉल, वी हैव फाइंड आउट द लेंथ of the stub and position of the stub from the load end in order to achieve desired impedance matching. Now in today's class we will start discussion on waveguides. So बच्चों, अब तक हमने transmission line के बारे में discuss किया, अब आज हम waveguide के बारे में discussion start कर रहे हैं। So first of all, why we need waveguide एंड वॉट इज वेवगाइड। तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि वेवगाइड की जरूरत क्यों है और वेवगाइड एक्चुअली है क्या। सो एट द फ्रीक्वेंसीज हायर देन 3 GHz द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलोंग ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द लॉसिस दैट अकर इन डाइलेक्ट्रिक विच इज नीडेड टू सपोर्ट द कंडक्टर एंड द कंडक्टर इटसेल्फ। मतलब बच्चों, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो ट्रांसमिशन लाइन पे लॉसेस बढ़ते जाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस बढ़ते जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द मेटालिक ट्यूब, वी हैव टू यूज द मेटालिक ट्यूब। सो मेटालिक ट्यूब कैन बी यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट दिस हायर फ्रीक्वेंसी। मतलब 3 GHz की हायर फ्रीक्वेंसी पे आप जाएंगे तो बेसिकली हमने जो ट्रांसमिशन लाइन जो यूज की थी अब तक उसमें लॉसेस बढ़ जाएंगे। लॉसेस किस किस में होंगे, तो एक तो डाइलेक्ट्रिक में भी हो सकते हैं जो हम कंडक्टर को सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, और कंडक्टर में भी लॉसेस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर हमें लॉसेस नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन को छोड़ के हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा जिसमें लॉसेस कम हो, और वो स्ट्रक्चर कौन सा है, दैट इज द मेटालिक ट्यूब, मेटालिक ट्यूब। सो वी विल यूज द मेटालिक ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट और टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट हायर फ्रीक्वेंसी, एंड ये जो मेटालिक ट्यूब है उसको ही हम बोलते हैं वेव गाइड, दैट इज नोन एज अ वेव गाइड। सो व्हाट इज वेव गाइड, सो वेव गाइड इज द हॉलो मेटालिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मतलब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब द क्रॉस सेक्शन रिमेन्स यूनिफॉर्म फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड वेव गाइड। तो बच्चों, जैसे यहां पे डेफिनेशन में बताया है कि वेव गाइड क्या होता है, तो एक हॉलो मेटालिक ट्यूब है, मेटालिक ट्यूब है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब द क्रॉस सेक्शन रिमेन्स यूनिफॉर्म, एंड उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट होते हैं वो कैसे होते हैं, बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब। मतलब उसकी जो वेवगाइड की जो इनर वॉल्स है उससे वो रिफ्लेक्ट होके वो प्रोपोगेट होगी। सपोज मान लो कि मैं अभी आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखाता हूं, सपोज ये एक मेटालिक ट्यूब है, ये मेटालिक ट्यूब है सपोज, ओके ये मेटालिक सपोज ट्यूब है, लेट मी ड्रॉ इन अनदर वे, ओके सपोज मान लो कि मैं 2D में ड्रॉ करता हूं कि ये मेटालिक ट्यूब है, बराबर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसमिट होंगे दैट विल बी ट्रांसमिटेड बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स। तो ये रिफ्लेक्ट हुआ यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, एंड सो ऑन इट रीच टू द अनदर एंड ऑफ द ट्यूब। सो व्हाट इज वेवगाइड, फिर से मैं अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। सो इट इज द हॉलो मेटालिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड वेवगाइड, करेक्ट, ओके। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवगाइड, सो देयर आर बेसिकली 5 types ऑफ वेवगाइड। वन इज द रेक्टेंगुलर वेवगाइड, अनदर इज द सर्क्यूलर वेवगाइड,
इलिप्टिकल वेवगाइड, सिंगल रिज्ड वेवगाइड एंड डबल रिज वेवगाइड। तो सबका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड है करेक्ट, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगल शेप में है ओके। ये होलो मेटालिक ट्यूब है आप देख सकते हो, ये सर्कुलर वेवगाइड है, उसका ये फ्रंट व्यू है सर्कुलर वेवगाइड का, ये इलिप्टिकल वेवगाइड का, ये सिंगल रिज्ड वेवगाइड है और ये डबल रिज्ड वेवगाइड का डायग्राम है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड वेवगाइड, जो हमने ट्रांसमिशन लाइन में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और अभी वेवगाइड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइन एंड वेवगाइड के बीच में डिफरेंस क्या है बेसिकली? तो बच्चों फर्स्ट डिफरेंस ये है कि वेवगाइड जो है वो वन कंडक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसमें एक ही कंडक्टर होता है, इट इज अ सिंगल कंडक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम, वेर एज ट्रांसमिशन लाइन इज द टू कंडक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम। सिंपल, वेवगाइड है वो सिंगल कंडक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम है, वेर ट्रांसमिशन लाइन इज द टू कंडक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टू से, ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट TEM मोड्स, वेर वेवगाइड डू नॉट सपोर्ट TEM मोड्स। मतलब हमारा जो वेवगाइड होता है उसमें सिर्फ टी एंड TEM मोड ही ट्रांसमिट होंगे, इट सपोर्ट ओनली TE एंड TEM मोड्स, इट डू नॉट सपोर्ट प्रोपोगेशन ऑफ TEM मोड्स, दैट इज ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये ट्रांसफर इलेक्ट्रिक, ट्रांसफर मैग्नेटिक, ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वेर इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इट कैन सपोर्ट TE, TEM एज वेल एज TEM मोड्स। अब ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उसमें सब फ्रीक्वेंसी पास हो जाती है, ऑल फ्रीक्वेंसी कैन पास थ्रू इट ओके। वेर इन केस ऑफ वेवगाइड देर इज अ कंसेप्ट ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी ही वो पास होगी, बाकी की फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल पास नहीं होंगे। सपोज एक वेवगाइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी है, सपोज कोई वेवगाइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी है, तो ऑल दी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑल दी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी पास्ड, मतलब एफ जीरो ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी पास्ड, और वी कैन से दैट ऑल द फ्रीक्वेंसी बिलो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी ब्लॉक्ड ओके। मतलब सारी फ्रीक्वेंसी वो पास नहीं होने देगा, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा और बाकी की लोअर फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक करेगा। मतलब वो इट एक्ट एज अ हाई पास फिल्टर, हम बोल सकते हैं। हाई पास फिल्टर को याद करो, हाई पास फिल्टर में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है हाई पास फिल्टर की, उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी वो पास होने देता है, बाकी की फ्रीक्वेंसी वो ब्लॉक करता है। तो हम बोल सकते हैं कि वेवगाइड इज नथिंग बट इट इज अ हाई पास फिल्टर, इट विल बिहेव एज अ हाई पास फिल्टर, वेर इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इट कैन पास ऑल दी फ्रीक्वेंसीज, वो सारी फ्रीक्वेंसी पास करेगा, उसमें कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसा कंसेप्ट है ही नहीं करेक्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ही कम है और वेव गाइड में तो प्रोपोगेशन मैकेनिज्म ही रिफ्लेक्शन है। सो वेव ट्रेवल्स थ्रू दी रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ दी वेव गाइड, मतलब उसमें तो रिफ्लेक्शन रहेंगे ही रहेंगे। नाउ ट्रांसमिशन लाइन में जो पैरामीटर इम्पीडेंस का है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हम डिफाइन करते हैं, वेर इन केस ऑफ वेव गाइड वी विल डिफाइन दी वेव इम्पीडेंस ओके। ये हम डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर में कि वेव इम्पीडेंस क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है ट्रांसमिशन लाइन के लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इन ट्रांसमिशन लाइन द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज अकॉर्डिंग टू सर्किट थियरी ओके। जो हमारी सर्किट थियरी है जो आपके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आए हो, उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है। वेर इन केस ऑफ वेव गाइड द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज अकॉर्डिंग टू फील्ड थियरी, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी। वी हैव टू follow the Maxwell equation, we have to, the propagation is based on the Maxwell equation in case of the waveguide. Now in transmission line there are two conductor system, मतलब it has a return conductor to the earth, earthing के लिए एक, मतलब earth के लिए एक return conductor है, where in case of waveguide return conductor is not required as the body of the waveguide act as a earth, मतलब body जो waveguide की है वही as a earth काम कर रही है, तो उसमें return conductor की जरूरत नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन में बैंडविड्थ इज नॉट लिमिटेड, वेर इन केस ऑफ वेवगाइड बैंडविड्थ इज लिमिटेड। एंड लास्ट, इन ट्रांसमिशन लाइन
द रिफ्लेक्शंस आर लेस सो द वेव डू नॉट डिस्पर्स वेयर इन केस ऑफ वेव गाइड द वेव गेट्स डिस्पर्स वेव का डिस्पर्सन होगा उसमें डिस्पर्सन नहीं होगा ओके सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट डिफरेंस पॉइंट बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड ओके नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स रिगार्डिंग वेव गाइड रिलेटेड टू वेव गाइड सो लेट डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेव गाइड विच आर नॉन एज अ वेव गाइड पैरामीटर्स अब हम वेव गाइड पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं सो फर्स्ट पैरामीटर दैट इज अ गाइड वेवलेंथ फर्स्ट पैरामीटर इज द गाइड वेवलेंथ नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गाइड वेवलेंथ सो गाइड वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन ऑर्डर टू अंडरगो फेज शिफ्ट ऑफ 2π रेडियंस मतलब ये वेव जो प्रोपोगेट हो रहा है वेव गाइड में तो वो प्रोपोगेट हो रहा है तो जो पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है और एक दूसरा एक और पॉइंट जिसके बीच में फेज शिफ्ट 2π फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होती हो और वो डिस्टेंस जो है उसको हम बोलते हैं गाइड वेवलेंथ सो डिस्टेंस गाइड वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन अंडरगोस फेज शिफ्ट ऑफ 2π रेडियंस ओके एंड दिस गाइड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा जी इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा जी एंड इट इज रिलेटेड टू प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट बीटा दैट इज लैम्डा जी इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय बीटा 2π डिवाइडेड बाय बीटा वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड वेवलेंथ इन वेवगाइड इज डिफरेंट फ्रॉम द वेवलेंथ इन फ्री स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट जो वेवगाइड में जो वेवलेंथ होती है वो फ्री स्पेस वेवलेंथ से अलग होती है ओके गुड सो फर्स्ट पैरामीटर इज द गाइड वेवलेंथ उसको पहले फिर से हम देख लेते हैं सो वॉट इज गाइड वेवलेंथ इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन ऑर्डर टू अंडरगोज फेज शिफ्ट ऑफ 2π रेडियन मतलब 2π रेडियन का फेज शिफ्ट हो उसके बीच का जो डिस्टेंस है जो पॉइंट से स्टार्ट किया और वो जो पॉइंट जिसके बीच का डिस्टेंस हम उसको बोलेंगे गाइड वेवलेंथ ओके क्लियर नाउ नेक्स्ट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो अभी मैंने आपको ये जब डिफरेंस हमने पढ़ा उस टाइम पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट बताया कि कोई भी वेवगाइड होगा तो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी वो पास करेगा बाकी की फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक करेगा मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच एटेन्यूएशन अकर मतलब उसके नीचे की सारी फ्रीक्वेंसी को वो एटेन्यूएट कर देगा वेवगाइड एंड अबोव विच द प्रोपोगेशन कैन बी टेकन प्लेस ओके एट ईच मोड जितने भी मोड है उसकी एक स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी इन वेवगाइड देयर आर नंबर ऑफ मोड्स कैन बी पॉसिबल एंड ईच मोड हैव स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके एंड फॉर TMN मोड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वेवगाइड होता है उसमें जो हम मोड को डिनोट करते हैं उसको ऐसे डिनोट करते हैं TE अगर मोड है तो TE मोड को हम TEMN से डिनोट करते हैं वेयर M एंड N आर द सबस्क्रिप्ट ओके वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे ओके TEMN बेसिकली M एंड N आर यूज टू डिफाइन द मोड्स ओके सो फॉर TEMN मोड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है FC इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय ए स्क्वायर प्लस एन बाय बी स्क्वायर और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज FC इज इक्वल टू C बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय ए स्क्वायर प्लस एन बाय बी स्क्वायर ओके हम क्यों ऐसा लिख सकते बिकॉज C इज इक्वल टू 1/μ εप्सिलॉन ओके सो दिस द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला FC इज इक्वल टू C बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय ए स्क्वायर प्लस एन बाय बी स्क्वायर नाउ देर इज अ रिलेशन बिटवीन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड गाइड वेवलेंथ जो हमने गाइड वेवलेंथ लैम्डा जी देखा और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने देखी FC उसके बीच में एक रिलेशन है वॉट इज दैट रिलेशन द रिलेशन इज 1/λg²² इज इक्वल टू 1/λg² प्लस 1/λc² यहां पे हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ वेवलेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट किया है सो करस्पॉन्डिंग टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देर इज अ कट ऑफ वेवलेंथ विच इज डिनोटेड एज लैम्डा सी सो हियर लैम्डा सी इज द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा जी इज द गाइड वेवलेंथ एंड लैम्डा जीरो इज द फ्री स्पेस वेवलेंथ लैम्डा जीरो इज फ्री स्पेस वेवलेंथ
सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन गाइड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ एंड प्री स्पेस वेवलेंथ, दैट इज 1 ओवर लैम्डा 0 स्क्वायर इज इक्वल 1 ओवर लैम्डा जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर लैम्डा सी स्क्वायर. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 0 डिवाइडेड बाय लैम्डा सी होल स्क्वायर. ओके, अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा आगे कि अगर आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एफसी देन वेव कैन पास. ओके, अदरवाइज दैट फ्रीक्वेंसी विल बी एटेन्यूएटेड. सो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इफ यू वुड लाइक टू राइट डाउन दिस कंडीशन देन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आई कैन राइट लाइक दिस, इफ लैम्डा सी इज ग्रेटर देन लैम्डा 0 देन देयर इज अ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. मतलब कोई भी वेव है उसकी कट ऑफ वेवलेंथ, ओके लैम्डा सी दैट इज ग्रेटर देन, कोई भी वेवगाइड की कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 0 वो लैम्डा 0 से ज्यादा है लैम्डा सी, तभी वेव का प्रोपोगेशन होगा. मतलब फ्रीक्वेंसी से उल्टा वेवलेंथ, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, करेक्ट. तो अगर फ्रीक्वेंसी के लिए ये रिलेशन है एफ जीरो ग्रेटर देन एफ सी, देन वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा वो लैम्डा सी ग्रेटर देन लैम्डा 0. सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द लैम्डा 0 एंड लैम्डा सी वी हैव द थ्री डिफरेंट केसेस. तो फर्स्ट केस व्हेन ऑपरेटिंग वेवलेंथ दैट इज लैम्डा 0 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन लैम्डा सी. अगर ये लैम्डा 0 लैम्डा सी से बहुत ही कम होगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म को हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं. ओके, सो इन दैट केस लैम्डा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा 0, लैम्डा 0, बिकॉज ये टर्म कंपेयर टू 1 इट इज निग्लिजिबल. लैम्डा 0 डिवाइड बाय लैम्डा सी दैट इज निग्लिजिबल कंपेयर टू 1. सो इन दैट केस आई कैन राइट लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा 0. व्हेन दिस इज पॉसिबल, व्हेन लैम्डा सी इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा 0. तो अगर लैम्डा सी लैम्डा 0 से बहुत ही ज्यादा होगा तो ये जो टर्म है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, और ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, देन वी कैन इग्नोर कंपेयर टू 1. सो लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा 0. दूसरा केस है व्हेन लैम्डा 0 इज इक्वल टू लैम्डा सी, ये दोनों जब सेम है तो ये टर्म 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो गाइड वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी. क्या हो जाएगी बच्चों, इन्फिनिटी. एंड थर्ड केस व्हेन लैम्डा 0 इज ग्रेटर देन लैम्डा सी, मतलब लैम्डा 0 लैम्डा सी से बहुत ही ज्यादा है, देन इन दैट केस दिस गाइड वेवलेंथ बिकम्स इमेजिनरी, दैट मीन्स नो प्रोपोगेशन इन द वेव गाइड. तो जब लैम्डा 0 वो लैम्डा सी से ज्यादा होगा, मतलब इसकी रिवर्स कंडीशन होगी, तब हमें वेव गाइड में कोई प्रोपोगेशन नहीं मिलेगा. तो मतलब आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी है, दैट इज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ 0 मस्ट बी ग्रेटर देन एफ सी, देन एंड देन वेव प्रोपोगेशन कैन बी पॉसिबल, एंड उसका उल्टा when lambda c greater than lambda 0 then and then wave propagation can be possible. So you can define the condition for the wave propagation either in terms of frequency or either in terms of wavelength, either in terms of wavelength, correct. And ye relation aapko acche se yaad rakhna hai, isse numerical ban sakte hain, that is guide wavelength and cut off wavelength ke beech ka relation, that is lambda g is equal to lambda 0 1 minus lambda 0 divided by lambda c whole square. Now third parameter related to waveguide, that is phase velocity, which is denoted as Vp, denoted by Vp. So what is phase velocity? So phase velocity of wave is the rate at which the phase of the wave propagates in this space. The phase velocity is the rate at which the phase of the wave propagate in the space. And phase velocity is given as Vp is equal to c divided by 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 0 डिवाइड बाय लैम्डा सी होल स्क्वायर. तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द फेज वेलोसिटी इन द वेव गाइड, दैट इज वीपी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 0 डिवाइड बाय लैम्डा सी होल स्क्वायर. अनदर पैरामीटर इज द ग्रुप वेलोसिटी. सो सपोज देर इज अ मॉड्यूलेशन इन द कैरियर, द मॉड्यूलेशन एनवेलप ट्रेवल्स एट द वेलोसिटी स्लोअर देन द कैरियर, then this velocity of the modulation envelope is called the group velocity. तो suppose carrier का modulation हुआ है, तो modulation envelope जो होता है वो carrier की speed से कम होगी उसकी velocity. तो जो ये modulation envelope की जो velocity होती है उसको हम बोलते हैं group velocity.
In other word, we can define like this: the group velocity of the wave is the velocity with which overall shape of the wave amplitude, which is known as a modulation or envelope of the wave, will propagate through the space. So ultimately, same meaning hai. Group velocity of the wave is the velocity with which the modulation envelope, the envelope of the wave propagates through the space. And the formula for the group velocity, which is denoted by Vg, group velocity is denoted by Vg, and Vg is given as c into 1 minus lambda 0 divided by lambda c square. Very important. Vp and Vg का फॉर्मूला आपको याद रखना है. Vp में c divided by square root 1 minus lambda 0 into lambda c square, where in case of Vg is equal to c into square root of 1 minus lambda 0 divided by lambda c square. And Vp and Vg का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये जो नीचे वाला जो टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 0 डिवाइडेड बाय लैम्डा सी स्क्वायर, वो इससे कट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, Vp into Vg इज इक्वल टू सी स्क्वायर. व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, विच इज द Vp into Vg इज इक्वल टू सी स्क्वायर. नाउ देयर इज अनदर कंसेप्ट इन वेवगाइड, दैट इज डोमिनेंट मोड इन द वेवगाइड. अब ये डोमिनेंट मोड किसको बोलते हैं? तो बच्चों, हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट पढ़ लिया है कि जो मोड क्या, मतलब कोई भी वेवगाइड होगी तो उसके एक मोड, पर्टिकुलर मोड के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, करेक्ट? तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया, तो डोमिनेंट मोड क्या होता है? तो जो मोड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट है वो पर्टिकुलर वेवगाइड में, उसको हम डोमिनेंट मोड बोलते हैं. सो व्हाट इज द डोमिनेंट मोड? डोमिनेंट मोड इज द मोड विच हैज द लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? द मोड विच हैज द हाइएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ. अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर मुझे डोमिनेंट मोड को डिफाइन करना है, तो आई कैन राइट द मोड विच हैज हाइएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ, हाइएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ दैट इज नोन एज अ डोमिनेंट मोड. That is known as a dominant mode. And cutoff frequency का formula हमें पता है, fc is equal to c by 2 or 1 by 2 square root of mu epsilon square root of m by a square plus n by b square. और यहाँ पे a and b क्या है बच्चों? तो a and a is the width and b is the height of the waveguide. जो waveguide आपका है वो rectangular या circular या कोई भी type का waveguide है, तो उसमें a denotes the width of the waveguide and b denotes the height of the waveguide. ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एम एंड एन जो मैंने बताया. ओके, तो कोई भी मोड को अगर मुझे स्पेसिफाई करना है तो उसको, उसके लिए मुझे दो सबस्क्रिप्ट चाहिए, वन इज द एम, अनदर इज द एन. ओके, एम इज रिलेटेड टू ए एंड एन इज रिलेटेड टू बी, एंड हियर एम एंड एन कांट बी जीरो एट द सेम टाइम. ओके, सो एम एंड एन इज द मोड ऑफ प्रोपोगेशन. ओके, विद दिस डिफाइंस द मोड ऑफ प्रोपोगेशन एंड फिजिकल साइज ऑफ द वेवगाइड डिटरमाइंस इन विच मोड द वेव विल प्रोपोगेट. बेसिकली जो आपका वेवगाइड है उसका फिजिकल डायमेंशन है, फिजिकल साइज, दैट डिटरमाइंस द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कौन सा मोड वेवगाइड से प्रोपोगेट होगा कि नहीं होगा. So, कौन सा मोड वेवगाइड से प्रोपोगेट होगा कि नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे. और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? वो आपका वेवगाइड जो है उसके फिजिकल डायमेंशन पर, दैट इज ए एंड बी पे डिपेंड करता है, आप देख सकते हो. ओके, सो इफ यू टेक द एग्जांपल फॉर टीई 10 मोड, टीई 10 एक मोड है, फॉर टीई 10 मोड व्हाट इज 1, एम इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू 0. यहां पे एम इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू 0 है. ओके, सो फॉर TE10 मोड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी c बाय 2a. मतलब इस फ्रीक्वेशन में इस फ्रीक्वेंसी जो रिलेशन है ये फ्रीक्वेंसी का, दैट इज fc इज इक्वल टू c बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ m बाय स्क्वायर प्लस n बाय b स्क्वायर, m बाय a होल स्क्वायर प्लस n बाय b होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला में m की जगह पे 1 लिख दो, n की जगह पे 0 लिखो और इसको सॉल्व करेंगे तो fc की आपको वैल्यू मिलेगी c बाय 2a. सो दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर TE10 मोड.
okay, and the lowest order mode that is possible in rectangular waveguide is TE10 mode. So TE10 mode is the dominant mode in the rectangular waveguide. Yaad rakhna hai bachcho, TE10 is the dominant mode in rectangular waveguide, and which is the lowest order mode that is possible in the rectangular waveguide. तो ये वन मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है कि विच इज द डोमिनेंट मोड इन द रेक्टेंगुलर वेव गाइड. सो रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए TE10 इज द डोमिनेंट मोड, करेक्ट. तो डोमिनेंट मोड पता चल गया. व्हाट इज द डोमिनेंट मोड? द मोड विच हैज द हाइएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ और लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट मोड. तो मतलब यहाँ पे TE10 के नीचे के मोड पॉसिबल है, TE10 के ऊपर के मोड पॉसिबल है. दिस इज द लोवेस्ट मोड दैट इज पॉसिबल इन द रेक्टेंगुलर वेवगाइड. नाउ अनदर कंसेप्ट इज द डीजनरेट मोड इन द वेवगाइड. व्हाट आर द डीजनरेट मोड? डोमिनेंट मोड तो पढ़ लिया, अब डीजनरेट मोड को क्या होता है वेवगाइड में? सो द मोड्स विच हैव द सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट फील्ड कॉन्फिगरेशंस आर कॉल्ड डीजनरेट मोड. तो सपोज कोई वेवगाइड में दो मोड्स है और वो दोनों मोड के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है बट उसकी फील्ड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे डीजनरेट मोड. फॉर एग्जांपल इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, TE10 एंड TE11 सपोज मान ले, TE11 एंड TM11 आर डीजनरेट मोड. ये दोनों के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम होगी. ओके, सो व्हाट आर द डीजनरेट मोड्स? डीजनरेट मोड्स आर द मोड विच हैज द सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. मतलब ये ट्रांसवर इलेक्ट्रिक है और ये ट्रांसवर मैग्नेटिक है, तो दोनों के फील्ड कॉन्फ़िगरेशन तो अलग अलग ही होंगे लेकिन दोनों की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डीजनरेट मोड्स. सो दीज आर द डीजनरेट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड. ओके, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लें, TM21. दीज आर द डीजनरेट मोड इन द रेक्टेंगुलर वेवगाइड बिकॉज ये दोनों की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है. ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? वी हैव स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ वेवगाइड विच इज द हॉलो मेटालिक ट्यूब फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स वॉल इज कॉल्ड वेवगाइड. फिर हमने वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन का डिफरेंस देखा एंड वेवगाइड के रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस किए. सो आई होप कि आज जो हमने डिस्कशन किया आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस वेवगाइड इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.